नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणव और स्वागत है आपको लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल में। आइए दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि अगर आप एनपीएस में आपका अकाउंट है, नेशनल पेंशन स्कीम में अकाउंट है, आपका परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर है या फिर प्लान अकाउंट है, तो आप उसमें कुछ अगर सुधार करना चाहते हैं, जैसे नाम में हो गया, एड्रेस में हो गया, तो ऐसे में कुछ सुधार करना चाहते हैं तो कैसे सुधार कर सकते हैं, कुछ गलत है तो उसे कैसे सुधारा जा सकते हैं। दोस्तों बने रहिए इस वीडियो तो हमें आखिरी तक, हम डिस्कस करते हैं कैसे हम प्लान अकाउंट में अपना सुधार ला सकते हैं या तो करेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन में क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा प्लान अकाउंट है उसे ऑनलाइन भी अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं, वे सब सुधार सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन करने के लिए आपको आधार के साथ सीड होना पड़ेगा, आधार नंबर को वहाँ पे आधार नंबर को ऐड करना पड़ेगा। लेकिन ऑनलाइन आधार नंबर को ऐड करने के बाद भी वहाँ पे उनका पोर्टल में आधार नंबर को ऐड कर दिया नहीं जाता है, क्योंकि वो बोलता है कि आपका जो नोडल ऑफिस है वो वेरीफाई करके भेजना पड़ेगा, इसलिए आप ऑफलाइन आधार नंबर को भेज सकते हैं और बाद में आधार नंबर वहाँ पे सीड होने के बाद आप उसे ऑनलाइन भी एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये एक प्रोसेस है, ऑफलाइन प्रोसेस है, जिसमें एक S2 फॉर्म है, उसको भर के अगर आप भेज दिया जाते हैं तो आपका 15 जितना दिन मिल जाए, एक बार आप फॉर्म भरने के बाद अगर आपका ऑफिस जल्दी जल्दी उसे भेज देते हैं तो 15 दिन के अंदर अंदर आपका एड्रेस चेंज हो जाता है या तो सुधार हो जाता है। चलिए मैं दिखाता हूँ कौन सा फॉर्म कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप उस फॉर्म को। पहले हम गूगल में चला जाते हैं और गूगल में लिखेंगे npscranasdl.com। ओके, npscranasdl.co.in नीचे आ रखा है, देखिए इसे सर्च कर दीजिए इस वेबसाइट में। तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, npscranasdl, ये हमारे को लेके जाएगा npscranasdl का जो होम पेज है वहाँ पे लेके आएगा। वहाँ पे लेके आने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे जाएंगे, जैसे आपको स्टेट गवर्नमेंट का अंदर अगर NPS में है तो स्टेट गवर्नमेंट का अंदर कर दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है सेंट्रल गवर्नमेंट में क्लिक कर दीजिए। तो ये आपको NSDL का ही वेबसाइट में जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम वगैरह है उसके बारे में यहाँ पे दिखाई देगा। तो दोस्तों हमारे को चाहिए फॉर्म S2 फॉर्म, जो आपको NPS अकाउंट में सुधार करने का तरीका है, तो उस फॉर्म को चाहिए। तो वो फॉर्म हमें कहाँ से मिलेगा, ये फॉर्म्स में क्लिक करके कर देंगे। ये फॉर्म्स में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे दिखाई देगा आपको ये फॉर्म्स, नंबर वन क्या रजिस्ट्रेशन का है, PAO रजिस्ट्रेशन का, DDO रजिस्ट्रेशन, ये सब आप छोड़ दीजिए, पढ़ लीजिएगा। NPS अकाउंट मेंटेनेंस, अभी देखिए फॉर्म S2 सब्सक्राइबर डिटेल्स चेंज, आपको कुछ चेंज करना है अकाउंट में तो ये फॉर्म आपको इस भर के भेजना पड़ेगा आपका जो नोडल ऑफिस में। मैं दिखाता हूँ फॉर्म में क्या क्या है डाउनलोड करना पड़ेगा। हम आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए सिंपली और ये फॉर्म डाउनलोड हो रहा है, आपको यहाँ पे PDF फॉर्मेट में दिखाई देगा इस फॉर्म को। देखिए एक मिनट रुकिए, हाँ देखिए ये फॉर्म आ गया और यहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से प्रिंट भी करा सकते हैं। देखिए क्या मांग रहा है, तो ये ऑफिस यूज के लिए है, ये आपका ऑफिस यूज के लिए, इसको छोड़ दीजिए। और रिक्वेस्ट फॉर चेंज करेक्शन सब्सक्राइबर मास्टर डिटेल्स, रीइश्यू IPIN और पैन कार्ड रीइश्यू करने के लिए भी कर सकते हैं, यही फॉर्म है, आपको रीइश्यू अगर करना है पैन कार्ड। अभी क्या चेंजेस होना चाहिए, आप इसमें ट्रिक करना है, आपको क्या चेंज करना है। अब दोस्तों इस फॉर्म में देखिए आपको अगर जो जो चीज में आपको चेंजेस चाहिए उस चीज में यहाँ पे ट्रिक करना पड़ेगा। पहले आपको ऑप्शन यहाँ पे देखिए, चेंजेस और करेक्शन इन पर्सनल डिटेल्स। ओके, आपका अगर नाम में हो गया, एड्रेस में हो गया, नॉमिनेशन में, नॉमिनेशन को अलग से है, जो एड्रेस में हो गया, डेट ऑफ बर्थ में हो गया, ये सब में कोई गलती है तो इसको ऊपर क्लिक करना है। अगर रीइश्यू IPIN है, आपको अगर रीइश्यू करना है तो इसके ऊपर क्लिक करना है।
रीइश्यू पैन कार्ड अगर रीइश्यू करना है, पैन कार्ड अगर रीइश्यू करना है जो आपका कार्ड है तो इसके ऊपर क्लिक करना है, और नॉमिनेशन चेंजेस करना है तो इसके ऊपर क्लिक करना है। और ये ध्यान रखिए जितना भी स्टार मार्क्स है ये मैंडेटरी है, तो इसमें लिखना जरूरी है आपका जो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जो है यहाँ पे पूरा लिख देना है। फिर सेक्शन सेक्शन ए के अंदर आ जाएगा आपका नाम का, नाम का चेंज करना है तो यहाँ पे भी टिक करना पड़ेगा, है ना। तो इसे भर दीजिए, श्री श्रीमती जो भी हो पूरा फुल नाम आप लिख दीजिएगा। अगर आपका पैन नंबर में कुछ सुधार चाहिए, उसमें दिया हुआ है पैन कार्ड में पैन नंबर, पैन मतलब है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, या पैन नंबर मतलब है परमानेंट अकाउंट नंबर, जो आपका टैक्स इनकम टैक्स वाला है वो पैन है वो है पैन है, ओके। फिर फादर्स नेम में अगर चाहिए तो कोई गलती है तो इसमें टिक करके आप लिख दीजिए। वुड यू लाइक टू हैव अ रिप्रिंट ऑफ कार्ड अकाउंट ऑफ चेंजेस इन पॉइंट 1-3। आप अगर इसमें चेंज करते हो आपको एक उस पैन कार्ड में भी चेंज होगा आपका जो लिखा हुआ आता है, क्योंकि यही चीज़ जो 1-3 नंबर है यही चीज़ वहाँ पे लिखा हुआ रहता है पैन कार्ड में, आपका नाम, आपका फादर का नाम और आपका पैन नंबर है वो वहाँ पे आते हैं। तो अगर आपको उसका चाहिए अगर इसमें सुधार है तो पैन नंबर पैन नंबर में भी सुधार चाहिए, इसलिए आप इसमें क्लिक कर दीजिएगा तो आपको रीप्रिंट एक नया पैन कार्ड पैन कार्ड भी मिल जाएगा। फिर यहाँ इसके बाद आ गया आपका जो एड्रेस दिया गया है, जो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दो रहते हैं, तो हम क्या करते हैं जो प्रेजेंट एड्रेस है ऑफिस का एड्रेस दे देते हैं। अगर हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है तो हमारा जितना भी कंजर्वेशन से जितना भी लेटर्स है वो वहाँ पे मिलता नहीं है, तो हम ट्रांसफ़र हो जाने के बाद पुराना ऑफिस में ही चला जाता है, इसीलिए आप दोनों एड्रेस सेम करके लिख दीजिए, आपका घर में चला जाएगा। अगर मान लीजिए आप जिस जगह में नौकरी करते हैं उस जगह में अगर मिलना चाहेगा तो हर बार आप इस फॉर्म को भर भर के एड्रेस को चेंज करना पड़ेगा। आप ये सब लिख दीजिए और लास्ट में या मोबाइल नंबर ईमेल आईडी ये सब अपडेट होना जरूरी है, आपको अपडेट कर लीजिएगा। अकाउंट नंबर वगैरह ठीक ठाक है तो सुधार से आते तो यहाँ पे भर भरा के दे सकते हैं ये अकाउंट नंबर 9 नंबर वाला। और लास्ट में आपको ये सब ESS कर दीजिएगा, SMS अलर्ट, ईमेल अलर्ट, क्योंकि आपके पास कुछ भी चीज़ें मान लीजिए कुछ कंट्रीब्यूशन आपका वहाँ पे जमा हो गया, जैसे मंथली काटते हैं पैसा 10% तो वो जमा हो गया तो आपके पास मोबाइल में मैसेज ईमेल में मेल आ जाएगा, तो ये सब ESS कर दीजिएगा दीजिएगा। सेक्शन बी में नॉमिनेशन डिटेल्स, अगर आप नॉमिनेशन करना चाहते हैं तो आप नॉमिनेशन दे सकते हैं, नहीं चेंज करना चाहते हैं तो उसको मत भरिए। और लास्ट में यहाँ पे आपका नाम लिख के डेट लिख के और यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए। सेक्शन डी में रिक्वेस्ट फॉर री इशू पैन कार्ड, दोबारा फिर पूछ रहा है आपको दोबारा चाहिए क्या, किस वजह से चाहिए, लॉस ऑफ पैन कार्ड होगा पैन कार्ड का होने तो अगर खो जाते हैं तो इसमें क्लिक कीजिए, डैमेज तो ओल्ड कार्ड अगर ख़राब हो गया तो इसमें क्लिक कर दे सकते हैं। और टी पिन जो आप कस्टमर केयर को फ़ोन करने से आपको टी पिन मांगेगा वो देना पड़ेगा, और आई पिन इंटरनेट से जो पासवर्ड है वो चेंज करना चाहते हैं तो ये भी वो चाहिए तो दोबारा वो भी दे देगा, तो उसका खैर ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन करवा सकते हैं इसको चेंज करा सकते हैं। तो आप यहाँ पे सिग्नेचर करके आपका ऑफिस में जो नोडल ऑफिस है आपका जो ऑफिस है उसमें जमा कर दीजिए, और अगर ऑफिसियल का काम जल्दी हो गया तो 15 दिन के अंदर अंदर आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा और आपके पास ये भी पहुँच जाएगा आपका पैन कार्ड। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैं जो बताने जा रहा था जो मैं समझाने जा रहा था आपको समझ में आए होंगे और ये वीडियो अच्छा लगा होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों इजाज़त दीजिए, नमस्कार।